मेरे भाइयों मेरी बहनें, सारी बातों का निचोड़ ये है कि ये ज़ुबान अल्लाह की दी हुई अमानत है, अल्लाह ताला ने इसे इस्तेमाल करने का वक्त दिया है हमें, और ये ज़ुबान एक इंसान को कामयाबी तक पहुंचा सकती है, खजाने के खजाने जमा करके दे सकती है, बर्बादी का सबब बन सकती है, जहन्नम की आग के शोलों तक पहुंचा सकती है। आखिर मैं एक बात कहकर ख़त्म करूंगा। सही बुखारी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम्हारे दोनों जबड़ों के दरमियान है और जो तुम्हारे दोनों रानों के दरमियान है, मुझे गारंटी दो इन दो चीज़ों की, दो चीज़ों की गारंटी दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के तहत बात करते थे, उन्होंने वाज़े तौर पर बता दिया, ये दो चीज़ की गारंटी दो मुझे, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। और यही गारंटी हम तमाम भाई और बहनों के लिए है आज तक। दो चीज़ों को कंट्रोल कर लो, जन्नत की गारंटी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। अब मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फैसला तो हम सबको खुद ही करना है, क्या हम दुनिया के आम चाल चलन के हिसाब से लूज ढंग से ज़िंदगी जिएंगे, ज़ुबान का कैसा भी इस्तेमाल करेंगे और समझेंगे कि कुछ नहीं किया मैंने, मैंने तो उसे बोला मैंने, ये दुनिया के लोग अपने आप को धोखे में डाल के रखे हैं, बहुत बड़े खसारे में हैं वो अगर अपने आप को ना सुधारे तो। अब हमारा चॉइस है, हम चाहें तो वैसा करें, और कल क़यामत के दिन मालूम पड़ेगा कि अक्सर खताएं जो तुम करके आए हो ना, ये ज़ुबान की वजह से करके आए हो, तो सही रास्ता अपना सकते हैं।